दाता का मेला था और बच्चे नीचे भंगड़ा वगैरह डाल रहे थे। मेरे बेटे ने हटाया, छोटे छोटे बच्चे थे वो नहीं हट रहे थे, उनको थप्पड़ मारो, आगे से गाली निकालनी शुरू कर दी, उन्हें थप्पड़ मार दिया सुला सफाई करने के लिए। उसने सुनी नहीं, एक बात भी नहीं सुनी, मैं उधर ही खड़ी हूँ, उसने आते सार उसे फैर लगा दिया। मेरे पापा नीचे गए हैं, अभी वो नीचे गए, मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे चली गई हूँ, और जाकर भी मेरे पापा उनके सामने खड़े ही हुए हैं, उन्होंने आगे होकर तो उसको फायर मार दिया। कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, किसने मारा किसने, क्योंकि काफी उनके साथ 3-4-5 लड़के थे उसके साथ, तो इनके सबके पास था पिस्टल वगैरह, कोई भी कह सकता कि इसने नहीं मारा उसने नहीं मारा, कुछ भी हो सकता था, पर वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उसकी गोली से ही मेरा मियां गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज मैं दाता दरबार के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक छोटे से बच्चों की लड़ाई के वाक़े की वजह से उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद कातिल फरार हो गए। जबकि पुलिस का यहाँ पर किरदार तो देखिए कि पुलिस का कहना है मुतासर फैमिली को कि अगर आपको पता है कि कातिल कहाँ छुपे हैं तो हमें बता दें, हम गिरफ़्तार कर लेते हैं। इस वीडियो में हम सवालिया निशान उठाने जा रहे हैं तमाम कानून के रखवालों से। तो इस वक्त मकतूल की बेवा और उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। अच्छा माजी, क्या वाकया बना, छोटी सी लड़ाई कत्ल कर दिया? दाता का मेला था और बच्चे नीचे भंगड़ा वगैरह डाल रहे थे, मेरे बेटे ने हटाया, छोटे छोटे बच्चे थे वो नहीं हट रहे थे, उनको थप्पड़ मारो, उन्होंने आगे से गाली निकालनी शुरू कर दी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसकी माँ, बच्चों की माँ उधर ही खड़ी थी शहजादी, उसने मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। मेरा बेटा ऊपर आया, कैसे ऐसे अम्मी शहजादी ने उसे मुझे थप्पड़ मारा, मैं नीचे गई हूँ। मैं कहा चलो जो भी है, मैं उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर मेरे बच्चे की गलती है तो मैं बात को रफा दफा करके मैं अभी इधर ही हुई हूँ। कहती नहीं, ये सभी इधर लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, मुझे बातें कर रहे हैं, मैं बुलाती हूँ अपने, उसको सबको पता चलेगा, ये होगा वो होगा। मैं कह शायद पता नहीं बुलाएगी, थोड़ी देर बाद में अभी उधर ही खड़ी हूँ, उसने फ़ोन करके अपने यार को उसी टाइम बुला लिया, उसी टाइम थोड़ी देर बाद वो आ गया। उसने ना किसी से पूछा है क्या बात हुई क्या नहीं हुआ, उसने आते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी। शहजादी ने जिन लोगों को बुलाया जिसने फायरिंग की है, कौन कौन लोग थे? खुरम था उसके साथ, वो 3-4 और मतलब लड़के थे। शहजादी और खुरम का क्या ताल्लुक है? आपस में गलत नजायज संबंध है। क्या करता है खुरम? खुरम मतलब दो कत्ल पहले भी कर चुका है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है कि मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ जी, तो शहजादी है जो मंशियात फरोश, उसके भाई भी यही काम करते हैं, वो खुद भी यही काम करती है। अपने मियाँ को नहीं बुलाया, अपने यार को उसी टाइम उसने बुला लिया कि मैं जो चाहे मैं करवा सकती हूँ। बच्चे ने थप्पड़ मारा, लड़ाई वहाँ से शुरू हो गई। आपके हस्बैंड कैसे गए लड़ाई में? कोई आपके हस्बैंड ने कोई तलाक कलामी की, कोई मारा जिसकी वजह से उनको फायर कर दिया गया? नहीं, कुछ नहीं किया, वो तो ऊपर बैठे हुए थे, उन्हें पता चला कि चलो मैं ही जाकर उनसे ना कहता हूँ या माफ़ी मूफी मैं ही मांग लेता हूँ। सुलह कराने के लिए और माफ़ी मांग रहे हैं कि बता खत्म करो, बच्चों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई, मैं ही उसे समझाता हूँ, शायद मेरे कहने से ही आवाज़ आ जाएगा। पर वो बड़े थे, बच्चे की लड़ाई, वो सुलह सफाई करने गए। हाँ जी, सुलह सफाई करने के लिए। उसने सुनी नहीं, एक बात भी नहीं सुनी, मैं उधर ही खड़ी हूँ, उसने आते सार उसे फैर लगा दिया। मौके भी देते हो पे ही इतना ब्लड निकला कि मैं खुद एकदम, मेरा दिमाग, हर चीज़, मेरा दिमाग, जिस्म सारा सुन्न हो गया कि इतनी सी बात का मेरा मियाँ चला गया। बस वो मंजर, वो घड़ी हम बयान ही नहीं कर सकते कि एकदम क्या हो गया कि हमारे सर से सब कुछ ही छीन गया। इतनी सी बात का हमें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हमें को ये भरना पड़ेगा कि हमें सारे हमारे साथ ये कैसा हो गया। हमने सोचा भी नहीं था, हमारे वहम में, गुमान में, जहन में नहीं था कि हमारे ये साथ हो जाना। इतनी उसने पूछा ही नहीं कि बात क्या हुई है क्या नहीं, उसे पता भी नहीं था, उसने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। और किन किन लोगों को गोलियां मारी? राहगीर थे 3 जिनको फायर लगे हैं, मेरे बेटा मौके पर मौजूद था, छोटा दानियाल उसे भी लगा है, वो बाप के साथ ही खड़ा था, उसके टांग में लगा है। तो मियाँ मेरे की तो फौरन उसी वक्त डेथ हो गई थी, खून जितना के निकल गया था, हमें पता था हम बयान ही नहीं कर सकते, क्या बयान करें, दिन दिहाड़े हमें वो उन्होंने मिनट सेकंड में हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या होता है कानून, क्या होता है क्या नहीं होता, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उन्होंने क्या हमारे साथ कर दिया, कोई बात होती, हमारी लड़ाई होती, कुछ होता, हमें पता चलता कि हमारा कसूर है, यहाँ पर हमारा कसूर ही कोई नहीं है,
हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये हो जाना, इतना बड़ा हमारे साथ ये हादसा हो जाना। हम तो अपने घर में न्याज वगैरह बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि दाता का मेला, हमारे घर में मेहमान आए थे, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतना बड़ा हो जाना। नाज़रीन, आपने देखा कि साधा से लोग हैं, अचानक से आकर उन्हें फायरिंग कर दी, उनकी बेटी से बात करते हैं। आप भी वहाँ पे गई जब आपके फादर की आपकी नज़रों के सामने डेथ हुई, कुछ पता है? हाँ जी, मैं मेरे पापा जब नीचे उतर के गए, मेरी मामा पहले नीचे थी, मेरे पापा नीचे गए हैं, अभी वो नीचे गए, मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे चली गई हूँ, और जाकर भी मेरे पापा उनके सामने खड़े ही हुए हैं, उन्होंने आगे होकर तो उसको फायर मार दिया। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या हुआ है, पीछे से मैंने आवाज़ लगाई क्योंकि मैं आगे एकदम से नहीं थी बड़ी। उन्होंने कहा कि तेरे पापा को ना फायर लग गया। मेरी मामा और मैं आगे उनको पकड़ने के लिए गए हैं, उसने फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी है, इसी से मेरी मामा फिर पीछे भाग गई है। मेरे भाई को भी लग गया था फायर, और पकड़ने के लिए फिर उनको जब पीछे भाग गया उसने फायरिंग करके दोबारा मेरे पापा को फिर गोली लग गई है, और गोली लगने के बाद पीछे भाग के दोबारा उनको लेने के लिए आगे गए हैं। उनका इतना ब्लड निकल गया था उस टाइम का, मैं नहीं बयान कर सकती। फादर की लास्ट क्या वर्ड्स थे, क्या वो कह रहे थे, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जानी है मौके पे। उनका कौन, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने सिर्फ मुझे, मेरे भाई को और मेरी मामा को देखते रहे हैं। उनको उठाया हमने अपनी आँख हाथों से, एक साइड में मेरी मामा ने पकड़ा, एक साइड में हम दोनों भाइयों ने मैंने पकड़ा हुआ, उनको उठा कर बाइक पर बिठाया, उन्होंने वो देख रहे थे हमें, उन्होंने वो रो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो गया, मैंने अपने बच्चों को छोड़ के चले जाना है, हमारे सामने उसने कत्ल कर दिया। अच्छा माजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का क्या बयान है अब आपके साथ? पुलिस चल रही है, बस ये कहती है कि हम कर रहे हैं, तसल्ली हमें दे रहे हैं, कभी कहते हैं आपको कुछ पता चलता हमें बता दें, बस तसल्ली देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, कहीं 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 जाना होता है जमा हमें भी जाते हैं, पर जितना कोई होता है ना तो पुलिस का प्रेशर पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ रहा, वो हमें मुझे ये समझ नहीं आ रही। कत्ल हो गया, पुलिस आ गई मौके पे, उन्हें मुलजमान भी देख लिए, पता भी है इन्होंने कत्ल किया है, तो पकड़ क्यों नहीं रहे उनके? पता नहीं क्यों नहीं पकड़े, हर चीज सबूत इनके पास है, जहाँ वीडियो बनी हमने तो नहीं बनवाई वीडियो, वहाँ पे वहीं पे पहले कैमरे लगे हुए थे, हमें तो पता नहीं था यहाँ पे ये वाकया होना है, ये तो हमारे लिए था कि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतरी करनी थी कि वहाँ पे सबूत बनना था, शायद हमारे बयान पे, हमारे लफाजों पे उनको ना यकीन होता कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, किसने मारा किसने, क्योंकि काफ़ी उनके साथ 3-4-5 लड़के थे उसके साथ, तो इनके सब पास सबके पास था पिस्टल वगैरह, कोई भी कह सकता कि इसने नहीं मारा उसने नहीं मारा, कुछ भी हो सकता था, पर वो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि उसकी गोली से ही मेरा मियाँ गया है, तो हमने तो कुछ नहीं, सब कुछ इनके पास है, सबूत भी है। क्या कह रही है और वीडियोस क्यों नहीं दे रही है आपको? वीडियोस कहती है माँ जी आपने क्या करनी, मिल जाए कि आपको टेंशन ना ले, आपके पास ही है, जब भी मांगते, मैं कहती चलो अच्छा दे ही देंगे, मैं मुतमिन हो जाती हूँ, मैं कि कोई बात नहीं, मैं चुप कर जाती हूँ। पुलिस तावन ही नहीं कर रही है और पुलिस उल्टा इनको कह रही है कि अगर आपको कोई क्यू मिलता है तो हमें बताएं, हम आगे होके पकड़ेंगे, तो सवाल ये निशान है कि हमारे पुलिस के इदारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि अब जो आपके मुखालिफ हैं, कातिल हैं, उनकी तरफ से क्या आपको धमकियां दी जा रही हैं? कहते हैं कि बच्चे अपने बचाएं। कितने बच्चे हैं आपके? आपके मेरी 5 बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं, अभी शादी वगैरह किसी की भी नहीं की, कुछ भी नहीं, एक मिनट सेकंड में मुझे बेवा उन्होंने बना दिया है, बच्चों को यतीम कर दिया है। पुलिस वाले बाप को इस तरह से कह रहे हैं, और जब केस अदलिया के पास गया, जजेस के पास गया, तो वो क्या बात थी जो वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि अपनी नौकरियां बचाओ और साइड पे हो जाओ? ये इनके जो कातिल है खुरम, उसके भाई के घर डेट वगैरह की, मैं भी साथ गई थी पुलिस के साथ ही, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई करवा दी। जज ने नहीं, उन्होंने जिनके घर डेट वगैरह के, उनके खुरम के भाइयों ने मुड़ के। जज का क्या बयान था जो आपने मुझे बताया था? ये था कि उन्होंने बुलाया, मैं भी गई उधर, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले को से कहा अपनी नौकरी बचाओ, तुम्हें एक मिनट लगाएंगे डिसमिस करने के लिए, अपनी नौकरी बचाने, तुमने दोबारा इनके घर में नहीं जाना। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी तक जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, और पुलिस भी इस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही, और जज जो है उनके रिमार्क्स आपने देख ही लिए हैं कि कितना अंधा कानून
हमारे मुल्क में पाया जा रहा है, गरीब को इंसाफ ही नहीं मिल रहा, और जो ताकतवर माफिया है, जो बासर कातिल है, वो दंदनाते फेर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं इनको। बच्चे जाते जाते आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे पुलिस से, जो कानून के हुक्मरान आपको देख रहे हैं? खुदा का वास्ता है कि उसको ना हिरासत में ले लें, जब तक वो बाहर फिरेगा ना उसने ना ऐसे बेकाम भी जमाने के अपने बच्चों को बचा लें। औरतों को, औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं, आप औरतों को क्या कर सकती हैं आप लोग? हम अपने बाप के लिए, इंसाफ के लिए खड़ी हुई हैं, हमें कोई शौक नहीं है इधर आने का, तो हमें इंसाफ दिलाएं, हमें हमारे हमें सेफ्टी दिलाएं, क्योंकि हम बाहर लोग बाहर जा सके अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए ना, हमें मतलब किसी चीज़ की भी सेफ्टी नहीं है। मेरा भाई कमाने वाला, वो बाहर जाता है, लेकिन उसको हमें भी उसी उसका भी डर होता है कि उसके साथ कोई कुछ करना दे, क्योंकि वो लोग पहले क्रिमिनल हैं, वो हर चीज़ को देख फेस कर चुके हैं, वो लोग लड़की भी नहीं ठीक है, लड़की के भी भाई सब कुछ कर सकते हैं, वो इंशियात फरोश हैं। आंटी आपके ज़्यादा एक मुतालबा कर, यही मुतालबा कि बेवा तो मुझे कर दिया है, मेरे बच्चे यतीम कर दिए, मैं तो बेआसरा हो गई हूँ, कमाने वाला मेरा उन्होंने एक स्किंट में कब्र में पहुँचा दिया, खुद कह रहा कि मैंने जेल भी नहीं जाना, यही कहता है कि मेरी जो भी है बात बैठ कर कर लेते हैं, मुकमका यहीं पे कर लेते हैं। मेरे मियाँ को उसने एक स्किंट लगा दिया, कब्र में पहुंचा दिया, जो हमें जहन में नहीं था कि हमारे साथ ये होना है। यही हमारी है, जितने भी बड़े अफसरान हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जो भी हैं, हमारी यही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, एक हमें तो हफ्ज़ दिया जाए, एक हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो मेन बंदा मुल्ज़िम है वो पकड़ा जाए, हमारी यही है बस। सुजी नाजन, आपने देखा कि शरीफ फैमिली है और इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, ताकतवर लोग हैं, इनकी नज़रों के सामने इनकी दुनिया उजाड़ दी, इनके हस्बैंड को कब्र तक उतार दिया और खुद जेल में नहीं जा रहे। हम इस वीडियो के तवज्जो से इन माँ बेटियों की आवाज़ बन रहे हैं, और जो जो मुतल्लिका थाने वाले और हुक्मरान वाला हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपकी भी माएँ हैं, आपकी भी बहनें हैं, तो प्लीज़ इनको भी अपनी माँ बहन समझें। इनको कानून का इतना ज़्यादा नहीं पता, इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इनकी दुनिया उजड़ गई है। तो इस वीडियो के तवज्जो से हमारी आपसे अपील है कि मुतल्लिका थाने वाले, इंसाफ के रखवाले, इनको जितनी हो सकती है जल्द अज़ जल्द मदद करें। सबसे पहले इनको महफूज किया जाए, इनको सिक्योरिटी जाए दी जाए, और जो कातिल है उसको सबसे पहले हिरासत में लिया जाए, क्योंकि वो दंदनाता फिर रहा है और इनको धमका रहा है। इस हवाले से आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।